तब इस तरह का बयान देना इतने गंभीर मसले पर कैसे देखते हैं? यही तो कांग्रेस की मानसिकता आजीवन रही है, फैमिली फर्स्ट ना कि नेशन फर्स्ट, और देश की जमीन को अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक जायदाद समझना। इसी मानसिकता से तो ग्रसित होकर नेहरू जी ने कहा था कि ये कच्चा तीवू का जो द्वीप है इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है। इसीलिए तो उन्होंने इसे सौंपने के लिए अपनी हामी भरी थी। इसी मानसिकता को दर्शाते हुए जब अक्साई चीन हमसे छिन गया था तब नेहरू जी ने कहा था वहां पर एक टुकड़ी घास की नहीं उगती, उसकी क्या वैल्यू है। इसी मानसिकता से ग्रसित होकर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया, और उस समय करुणानिधि जी की सरकार थी तमिलनाडु में, उन्होंने भी इसमें रजामंदी दी। तो हु डिड इट और हु हिड इट, ये दोनों आज सामने आ गया। और इसी प्रकार की मानसिकता के चलते भारत की हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन, चाहे अक्साई चीन हो, चाहे पीओके हो, चाहे कोको आइलैंड हो, ये सारी जमीनें भारत की सौंप दी गई। आज मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं, ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये भारत का अभिन्न अंग था, ये तमिलनाडु का अभिन्न अंग था, और ये तमिलनाडु के मछुआरों के लिए, उनकी जिंदगी, सुरक्षा और जीवनी के लिए अति महत्वपूर्ण जमीन का एक हिस्सा था। आज तक तमिलनाडु के मछुआरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पर कांग्रेस है, डीएमके है, जो फैमिली फर्स्ट में विश्वास रखती है, नेशन फर्स्ट में नहीं, और इसीलिए कभी वो भारत को देश ही नहीं मानते। कभी वो कहते हैं भारत देश नहीं है, ए राजा कहते हैं भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए। इसी प्रकार की मानसिकता से वो आज भी ग्रसित है। आपको लगता है कि भारत के हिस्सों को लेकर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता संजीदा शुरू से नहीं रहे और आज भी संजीदा नहीं है? देखिए, नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी तक भारत के विभाजन के लिए, भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने असली चरित्र को दिखाया है, और इसीलिए आज कच्चा तीवू जो दे दिया गया था 74 में, उसको जायज ठहराने का काम भी कांग्रेस करती है। और कांग्रेस पार्टी के ही नेता जब 370 की बात होती है, जब कश्मीर की बात होती है, तो वो कहते हैं 370 नहीं 371 है, और कश्मीर की बात राजस्थान में नहीं होनी चाहिए। तो ये दिखाता है कि भारत की विभाजन और टुकड़े टुकड़े के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक रुख अपनाती है। टुडे द रिमार्क्स ऑफ दिग्विजय सिंह शो द माइंडसेट ऑफ कांग्रेस दैट दे ऑलवेज पुट फैमिली फर्स्ट नॉट नेशन फर्स्ट, दैट दे ऑलवेज थिंक दैट द कंट्रीज टेरिटरी इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ वन फैमिली, एंड देयरफॉर विद दिस माइंडसेट इवन नेहरू जी हैड सेड इन 1960s दैट कच्चा तीवू आइलैंड इज अ इनकॉन्सिक्वेंशियल पीस ऑफ लैंड, इट शुड बी गिवन अवे। बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट when Aksai Chin was given away to China by Nehruji's government, at that time he said not a blade of grass grows on it, what is the difference? With this mindset POK was handed over, Aksai Chin was handed over, Coco Islands was handed over, we even lost Assam thanks to Nehruji and this mindset. And this mindset continued when Indira ji handed over Kachcha Tivu Island in 1974, and it was Karunanidhi ji's government that actually allowed this also to take place. So who did it and who hid it are both responsible for this, because of which we have lost not just a piece of land but a very important and inalienable part of Tamil Nadu. And even today the fishermen of Tamil Nadu, they are facing the consequences of this, because this land was connected to their lives, security and livelihoods. So today the question is that this mindset of Congress continues, where Rahul Gandhi says that India is not a nation, where A. Raja continues to say that India is not a country and every state is a different nation. And today, from 370 to Kachcha Tivu, Congress party always advocates a vibhajankari and tukde tukde mindset.